नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। मंडी लखेवाली में विजय कुमार के घर में सुख शांति के लिए जागरण करवाया गया। यहां पर गगन मस्ताना जी ने माता रानी का गुणगान गाकर अपनी हाजिरी लगाई, और मुलियावाली की जागरण कमेटी ने जाकर विजय कुमार का सहयोग दिया, और सभी भक्तों ने माता रानी के दरबार में जाकर खुशियां प्राप्त की। पंजाब से हमारे संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। विजय, जो जागरण करवाया तुसी, एक किस खुशी विच करवाया? ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਬੂਆ ਲੜਕਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਸ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਇੰਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ? ਸੈਕਿੰਡ। ਕੌਣ ਸੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ? ਡੀ ਮੋਡਲ ਸਕੂਲ। ਕੌਣ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ? ਮੁਕਤਸਰ। Yeah.
सारे अपने अपने जगह सारी संगत मां नूं बना के की कहती है कोई धर्मा वाला पौधा जिदा जेरा वाटी दा धन श्री गुरु नानक देव जी के 550 गुरु पर्व के संबंध में एमएलए कुलबीर सिंह द्वारा आज गांव बेरी कादराबाद में कांग्रेसी आगू सुखवंत सिंह के कहे अनुसार बस यात्रा सुल्तानपुर लोधी जा रही है। इस बस में संगतों को फ्री में यात्रा करवाई जा रही है। पंजाब से हमारे संवाददाता गुरप्रीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। कादराबाद जिथे की एमएलए कुलबीर सिंह जीरा वालों इतों के जिन्हें भी पिंड उन्होंने बसा दी गई वा उन्होंने एक बस जो कि अज ग्राम पंचायत बेरीवाला दे कांग्रेस आगू साडे नाल सुखवंत सिंह जी मौजूद ने इन्हां नूं दित्ती गई आ। ओ इन्हां नाल गलबात करदे आ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। इह बस तुहानूं सुल्तानपुर संगतां दे दर्शन वास्ते दित्ती गई आ, तुसीं की कहना चाहोगे? सानूं कुलबीर सिंह जीरा MLA जी ने ड्यूटी लाई सी जो कि बस सुल्तानपुर साहब लैके जाणी है। असीं उन्हां दे हदायत अनुसार अज्ज बस सुल्तानपुर साहब मत्था टेकन संगत नूं लैके चले हां जी।
ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। जौनपुर जिला के शाहगंज क्षेत्र में बड़ा गांव एरिया आता है जहां पर मुसलमानों का बहुत बड़ा मजलिस लगता है। यह मजलिस कल से चल रही है और आज शाम को समापन हो जाएगी। तकरीबन रात में 12 बजे तक की मजलिस चलेगी। जौनपुर से हमारे संवाददाता रंजा यादव की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी बड़े गाँव में अच्छी तरह से हजारों और लाखों के बाजार में लोग आते हैं और अपने प्यार की मांग तमन्नों को पूरा करते हैं। चारों तरफ आप यहाँ के जिस प्लेस पे खड़े हैं, आप 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद एक कदम रखने की भी जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे लाखों लोग की जनसंख्या उड़ी रहती है और यहाँ आसपास लोग ही नहीं, बाकी आपके इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, उन्नाव, हर जिले के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम अपने प्रधान अजहर जी से पूछना चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था, ग्रैंड मशीनरी की क्या व्यवस्था है, ये हमारे प्रधान जी जो बड़े गांव के हैं शाहगंज जौनपुर जिले के, वो बताएंगे आपसे। हाँ जी, के लिए चला था वहाँ पर यदि दर्शन रसूलनाथ के खानदान को बहुत किया, अपील किया, बहुत ही चौबतें बरसात कैद रखा। उसके एक साल के बाद जब शाम से रिहाई किया तो सबसे पहली मस्जिद जनाब जैनब ने पहन थी पड़ता है। आज यही मंच हिंदुस्तान का दुनिया में हर गोशे गोशे में यानी कि मनाया। दिल से जुटे हुए हैं कि जुलूस को कंप्लीट करने के लिए और पूरे हर्षोल्लास साथ यहाँ पे रैन बसेरा का भी व्यवस्था किया गया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और जो हमारी प्रधान जी से जो बात हुई, अजहर भाई जो जौनपुर जिले शाहगंज बड़े गांव के प्रधान है मौजूदा समय में और पूरे कार्यरत को अच्छी तरह से देखते हुए, रंजन कुमार यादव, फाजिल रिपोर्टर, शाहगंज, सरपतहा। 12 वफा तथा उच्चतम न्यायालय के आने वाले निर्णय के पूर्व पीस कमेटी की आज चौथी बैठक,
थाना कोतवाली में संपन्न हो गई, जिसमें सिविल डिफेंस अपराध निरोधक समिति, ताजिया कमेटी, स्काउट गाइड पजावा, रामलीला कमेटी तथा समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। सभी ने एक सुर में नगर में शांति व्यवस्था को पहली प्राथमिकता के साथ कायम करने की बात कही तथा सोशल मीडिया के भड़काऊ तथा भ्रामक संदेशों से सावधान रहने हेतु जन जागरूकता फैलाने पर बल दिया। साथ ही मोहल्ले में चैन बनवाने की बात कही गई। मोहन जी टंडन द्वारा अपनी दुकान पर अलविदा की नमाज की अनुमति दिए जाने की हिंदू मुस्लिम एकता को एक मिसाल के रूप में सराहा गया। बैठक का संचालन पीस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल अजीम उर्फ चांद मियां ने किया। अध्यक्षता सीओ प्रथम उमेश शर्मा जी ने की तथा कोतवाली प्रभारी बच्चे लाल प्रसाद द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। बैठक में रेखा उपाध्याय, खुशनुमा बेगम, वजीर खान, परवेज अहमद, सभासद नेम यादव तथा पीस कमेटी के बहुत से कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। ये भी ईश्वर की दया से हो, सब 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 संपन्न होगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, अपना मुझ समय दिए, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारी वेशभूषाएं अलग है, लेकिन फिर भी हम एक। हमारा खान पान अलग है, फिर भी हम एक हैं। हमारा रस्म और रिवाज अलग है, फिर भी हम एक हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अनेकता में एकता प्रदान कर रही है? वो है हमारा संविधान, वो है हमारे देश का न्यायपालिका, वो है हमारे देश में कानून व्यवस्था का राज, जिससे जिसने इस देश को आज़ादी दी है और खुली फिजाओं में आप जो है आज़ादी की सांस लेते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बीच में बहुत से समाजसेवी ऐसे हैं कि जो छोटे से बड़े बड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। ये अधिकार किसने दिया है? कि जिसने ये अधिकार दिया है उसी न्यायपालिका के तरफ से एक निर्णय आने जा रहा है और उसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह हम सब नगरवासी, प्रदेशवासी और देशवासी को करना है। तो आइए, मैं गुजारिश करूंगा कि बाबा बाक्सर आवें और दो शब्द यहाँ ये है कि आज जो देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने जा रहा है तो उसको सहजता और सरलता से हम अपील कर रहे हैं आम जनमानस से प्रयागराज के, और ये संदेश हमारा प्रदेश और देश लेवल पे आप लोगों के माध्यम से पहुंच रहा है कि हम अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखते हुए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था के कई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो निर्णय किसी के विपक्ष में हो या पक्ष में हो, अगर विपक्ष में है तो किसी तरह का इत्तेजाज नहीं कि उसको करना है, काला झंडा नहीं या किसी तरह का जुलूस नहीं। इसी तरह अगर किसी के पक्ष में होता है तो मिठाई, घड़ी, घंटा, घड़ियाल और खुशी का इजहार आप सड़कों पे न करें, आप अपने हृदय में रखिए, अपने घर में उसको इजहार कीजिए, मनाइए, लेकिन ये कि सड़कों पे अगर आप इस तरह की अव्यवस्था फैलाएंगे तो उससे जो इस शहर की और इस देश की राष्ट्रीय एकता है और भाईचारा है वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि नासमझ लोग भी हैं, प्रभावित होगा, उससे माहौल ख़राब होगा। तो इसलिए इलाहाबाद के ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और तमाम राजनीतिक दलों ने और शहर के सारे जिम्मेदार राजनीतिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने, हम लोगों ने मीटिंग में बैठ के ये तय किया है कि निर्णय जो है सर्वमान्य है, क्योंकि राष्ट्र देश की सबसे बड़ी अदालत का निर्णय है। जो भी फैसला आएगा, हम 2010 के तरह, जैसे हम लोगों ने 2010 के हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकारा था, उसी तरह 2019 में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारेंगे। हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय के लोगों से हमारी आज की मीटिंग का ये अपील है और निवेदन है, इस बात को आप हमारी आगे बढ़ा दीजिए। मैं शांति सुरक्षा समिति पीस कमेटी का अध्यक्ष अब्दुल अजीम उर्फ चांद मियां और हमारे साथ बहुत सारे सभासद, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग और इस शहर के तमाम कोने से मानिंद लोग, जैसे उसमें परवेज अंसारी साहब हैं, मोहन जी टंडन हैं, ठाकुर साहब हैं, पचरतटी रामलीला कमेटी के हैं, हमारे बीच में सोनकर जी हैं, हमारे बीच में निर्मल लाल भारती जी हैं, इकबाल अंसारी एडवोकेट आमिर साहब हैं। तो इस तरह हम हर थाने वाइज मीटिंग कर रहे हैं और अभी हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेंट्रल पीस कमेटी की भी मीटिंग करेंगे और एक शांति मार्च हमारी ये नवें थाने की मीटिंग है। नौ थाना क्षेत्रों में हमने मीटिंग की है जिसमें हम शांति का संदेश देते हुए बहुत ही
जनता से, प्रयागराज की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि बहुत ही भाईचारा और राष्ट्रीय एकता के साथ संवैधानिक प्रतिक्रिया का सम्मान करते हुए आप जो है उसका उस निर्णय का आदर करते हुए और सौहार्द एकता कायम करें। परिचय अब्दुल अजीम और चांदनिया, शांति सुरक्षा समिति, पीस कमेटी, महानगर। प्रयागराज की जो बैठक पिछले 4 दिनों से लगातार आयोजित की जा रही है, उसी क्रम में आज थाना कोतवाली की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक आगामी त्यौहार 12 वफ़ात तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मद्देनज़र इस मीटिंग का आह्वान किया गया। इस मीटिंग में समाज के सभी तबकों को बुलाया गया और हम लोग पहली बार ही पीस कमेटी की इस बैठक में शामिल हुए और अपने करीब 100 स्काउट मास्टर्स जो कि आज पीस कमेटी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम सब बेसिक शिक्षा विभाग के लोग हैं और हमारे साथ एक समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो अध्यापक हैं वो सब जुड़े हुए हैं। हम सब इस पीस कमेटी की बैठक में शामिल होकर अपने शहर और अपने मुल्क में अमन और शांति कायम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कमेटी के साथ मिलकर हम लोग सब काम करेंगे और हम चाहें और हम ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हम सब उसे सिरोधार्य करेंगे और उसे मानेंगे और अपने सभी साथियों को और अपने नगर के जितने भी लोग हैं सबको इस बात के लिए बताएंगे कि जो निर्णय आया है वो सर्वमान है और इसे हमें हम सभी को मानना है। परिचय, मैं फिरोज आलम खान, जिला स्काउट मास्टर प्रयागराज, साथ ही पीस कमेटी का भी एक पदाधिकारी हूं। डेलपुर पोस्ट नगरिया सोबरनी तहसील मीरगंज में अकील अहमद पुत्र जमील अहमद ने थाने में दी तहरीर। अकील अहमद का कहना है कि हरीश कुमार पुत्र लेख राज ने अकील अहमद की ट्रैक्टर के रूटर वेटर को की साफिट चुरा ली। जब अकील अहमद ने अपनी साफिट पहचान ली तब उन्होंने हरीश कुमार से साफिट वापस मांगी। हरीश कुमार ने अकील अहमद को जान से मार देने की धमकी दी है। बरेली से हमारे संवाददाता अजय पाल की रिपोर्ट। आपको क्या परेशानी है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है ग्राम डेलपुर में जो आपका ये साफिट चोरी हुई है, आपके लिए क्या कही गई है, क्या नहीं, आपने तहरीर दी है, क्या कहा गया आपसे? सर, मैंने उनसे कहा था कि मेरी ये साफिट है, मैंने देख ली थी तो उन्होंने देने को मना कर दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी किसने दी? हरीश कुमार गंगवार। हाँ। और कुछ? और कुछ नहीं। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में तहरीर मैंने दे दी। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अकील अहमद जी आपका। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।